सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चेक करना चाहते हो लिब्रे ऑफिस के लिए, सो यू विल टाइप इट इनटू गूगल। उसका एक होम पेज मिलेगा जो ऑफिशियल पेज है। दिस इज फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस कंसेप्ट हम लोग लिब्रे ऑफिस बेस के साथ ही यूज करने वाले हैं। यहाँ पे जाके आप चेक करोगे डाउनलोड लिब्रे ऑफिस। ओके, डाउनलोड करने के बाद में नाउ यू हैव टू चेक कि आपकी विंडो जो है वो कैसा है। उसका विंडो 64 बिट चाहिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कैसे चाहिए, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। आई एम गोइंग विद दिस, सो मैं इसे डाउनलोड करती हूँ। जैसे आप इसे डाउनलोड के लिए डालोगे तो इट विल टेक अ टाइम, सो विल वेट फॉर इट्स डाउनलोड एंड देन मैं इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो आपको समझा के बताती हूँ। सो स्टूडेंट, जैसे ये इंस्टॉलर जो है इंस्टॉलेशन विजार्ड डाउनलोड हो जाता है, सो दिस विजार्ड विल पॉप आउट एंड दिस विद दिस हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, विल इंस्टॉल इट। ओके, यहाँ पे जैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो जाता है, क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, यस इंस्टॉल। नाउ दिस विल टेक सम टाइम। जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा, डाउनलोडिंग हमने किया, विजार्ड से हमने इंस्ट्रक्शन फॉरवर्डिंग किए, नाउ दिस स्टेटस विल गेट अपडेटेड। वंस इट विल इंस्टॉल, विल चेक फॉर द स्क्रीन। सो अभी हमारा लिब्रे ऑफिस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। हम लोग ऑल प्रोग्राम्स में जाके उसे ओपन करेंगे। जैसे ओपन कर रहे हैं, ओपन होने के बाद में यहाँ पे वी आर गेटिंग लिब्रे ऑफिस कैल्सी। सो हियर इट इज द ऑप्शन फ्रॉम वेयर यू कैन चेंज व्हाट यू वांट। आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, स्प्रेडशीट चाहिए, प्रेजेंटेशन या फिर व्हाटसोएवर, हमें क्या चेक करना है, वी आर गोइंग टू डील विद द डेटाबेस। तो हम लोग डेटाबेस बनाएंगे, क्रिएट न्यू डेटाबेस। तो एम्बेडेड डेटाबेस जो है वो यहाँ पे ये दिया हुआ है, या फिर अगर कोई डेटाबेस आपने बना के रखा है तो इसे आप ओपन कर सकते हैं, या फिर इसे कनेक्ट करना है तो भी कर सकते हैं। तो क्रिएट न्यू डेटाबेस में हम लोग जाते हैं, आई एम क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट, यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी, देन फिनिश। अब ये जो न्यू डेटाबेस बन रहा है उसको आप नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ, आई एम टाइपिंग हियर एज स्टूडेंट। ओके, सो देख सकते हैं आप यहाँ पे, हियर वी आर गोइंग टू चेक इट With this, और मैं इसे सेव करती हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट रिक्वायर्स 64 बिट जावा, सो JRE परफॉर्म करने के लिए इसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, सो आई विल रिस्टार्ट इट एंड विल गेट बैक अगेन। सो स्टूडेंट्स, जैसे वो इंस्टॉल हो जाता है, यू विल क्लिक ऑन टेबल्स, यहाँ पे ये हमें व्यू मिल रहा है। नाउ व्हाट इज दिस अबाउट, सो दिस इज योर व्हाट टाइटल बार, यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट ओडीबी, सो दिस इज टाइटल बार। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है आपके, ये क्या है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, चलो चेक करते हैं वन बाय वन। सो दीज ऑल आर मेन्यूज। ओके, देन ये अगर मेन्यूज है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज अवर मेन्यू बार। दीज ऑल आर टूल्स, अब मैं यहाँ पे अगर चेक करना चाहती हूँ, सो यहाँ पे देखिए, यू आर हैविंग वेरियस ऑप्शंस टू ओपन, सेव एंड ऑल, सो ये सारे क्या है, दीज ऑल आर टूल्स। So this is toolbar and this is none but your working area. अब ये जो सब कुछ रहेगा, ये working area, यहाँ पर ये है database, tables में चाहिए queries बनाना है, forms बनाना है, reports, tables the combination of rows and column, queries जहाँ पे आप कोई भी data कौन सा चाहिए, क्या extract करना है वो रहेगा, forms क्या रहेगा, so what you are going to display it and reports into the forms, जो भी आप वैल्यूज इंसर्ट करने वाले हो उसका एक रिपोर्ट फॉर्म होगा। सो इन सारी चीजों को अगर मुझे चेक करना है तो सी हियर क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, उसका डिस्क्रिप्शन बाजू में आता जाएगा, क्रिएट टेबल बाय स्पेसिफाइंग द फील्ड नेम्स एंड प्रॉपर्टी एज वेल डेटा टाइप्स। सो दिस इज अबाउट अवर क्रिएट टेबल। अब इसके ऊपर में हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे व्हेन एज वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन इट, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, हियर इट इज ओपनिंग विथ वन टेबल, यहाँ पे सेम रहेगा सब कुछ, हियर इट इज द फील्ड कि कौन से फील्ड्स चाहिए आपको एंड उसका फील्ड टाइप क्या होना चाहिए। अब अगर आप जब भी कोई फील्ड चेक करना चाहते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ, रोल नंबर। अब अगर मैं रोल नंबर ले रही हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिख रहा है फील्ड टाइप, यू ऑल नो अबाउट अ डेटा टाइप, कौन सा डेटा को क्या टाइप यूज करना चाहिए, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न। सो रोल नंबर क्या है, दिस इज अ नंबर, तो यहाँ पर टेक्स्ट लगेगा क्या, नहीं, यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप लगेगा फिर, सो यू विल चेक
दिस इज न्यूमेरिक, सो दिस इज नंबर. ओके, देन दूसरा अगर मैं चाहती हूँ, जो हमने प्रीवियस टेबल यूज किया था एस ए नेम, दैट इज स्टूडेंट नेम. स्टूडेंट नेम आपको टेक्स्ट चाहिए क्या? सो आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट. टेक्स्ट वेरिएबल चाहिए, वेरकैर चाहिए, आप वेरकैर डेटा टाइप यूज करोगे. तीसरा, अगर आप चाहते हो कि उसका क्लास मुझे मेंशन करना है, तो क्लास अगर आप वेरिएबल वेरकैर चाहते हो तो टेक्स्ट आप लिखोगे. अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हो, यू वॉन्ट इन टू नंबर, तो आप नंबर में चेंज कर सकते हो. फिक्स डिजिट है अगर आपके, तो आप सिर्फ टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो. ये होने के बाद में यू यू कैन यूज विथ द डेट ऑफ बर्थ डीओबी. तो डीओबी के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे डेट यूज करेंगे. और उसके बाद में मैं सिंपल सा एक टेबल बनाने वाली हूँ, जहां पे लिख रही हूँ एड्रेस. एड्रेस अगर आप चाहते हो कि नहीं, ये यहाँ पे जो टेक्स्ट यूज करने वाले वो काफी बड़ा रहेगा, वेरकर हम लोग तो यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें केस सेंसिटिव अगर हमें नहीं रखना है, तो यू कैन यूज टेक्स्ट विथ वेरकर इग्नोर केस. ओके, सो दिस इज द ऑप्शन विच इज अवेलेबल फॉर यू. नाउ वंस आप यहाँ पे जो फील्ड्स यूज कर रहे हो और उसके फील्ड टाइप स्पेसिफाई करते हो, तो दिस विल गिव यू अ रिजल्ट फॉर योर टेबल. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे ये जो फील्ड टाइप्स दिए जा रहे हैं, यानी जो भी आप फील्ड्स यूज करने वाले हो उसके लिए क्या डेटा टाइप यूज करना है, उसके एन नंबर ऑफ ऑप्शंस जो यहाँ पे दिख रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन इट इज देयर ऑन योर पेज नंबर 84 एंड 85. आपको हर डेटा टाइप जो है वो क्यों यूज किया गया जाता है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, क्या फील्ड उसका स्पेसिफाई होता है, तो ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन द पेज नंबर 84 एंड 85. वी हैव क्रिएटेड हियर अ टेबल. दिस इज लाइक कि हमने टेबल यहाँ पे क्रिएट किया. टेबल क्रिएट किया यानी क्या होगा, इट इज द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म. चलो मैं इसे सेव करती हूँ. अगर तो यहाँ पे ये टेबल नेम पूछ रहा है, मैं इसे इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. उसका टेबल नेम जो बना रही हूँ मैं, वो स्टूडेंट का टेबल बनाती हूँ. यहाँ पे मैं ओके वर करूंगी. नो प्राइमरी की सेट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी की, हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर जो वैल्यू क्या होता है, अ यूनिक इंडेक्स और प्राइमरी की इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन इन द डेटाबेस. प्राइमरी की क्या रहेगा, सो इट इज नन बट द यूनिक इंडेक्स और इट इज अ प्राइमरी की, जहां पे रोल नंबर जो है, दिस कैन बी योर प्राइमरी की. सो यू वॉन्ट टू सेट प्राइमरी की, तो यस, कहां प्राइमरी की सेट करना है, तो प्राइमरी की सेट करने के लिए यू कैन यूज हियर. सो यहाँ जो ये आईडी है, ये आईडी को आप जो स्टूडेंट आईडी रहेगा उसे आप प्राइमरी की सेट कर सकते हो. सो दैट इज द आईडी एंड दिस इज इनटू द फॉर्मेट ऑफ योर इंटीजर. जैसे आपका जीआर नंबर हम लोग बोलते हैं, सो लाइक दैट स्टूडेंट आईडी जो रहेगा, रोल नंबर को भी आप सेट कर सकते हो. इस तरह से आप फील्ड टाइप उसका सेट करोगे. सो वंस अगेन विल चेक, सेव किया मैंने इसे. अब मैं इसे ओपन करके चेक करना चाहती हूँ कि मेरा टेबल जो है वो कैसे फॉर्म में बना है. तो हमने टेबल का नाम क्या डाला था, स्टूडेंट. चलो चेक करते हैं कि ये टेबल ओपन होता है क्या. ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये देखो टेबल कंटेंट टेबल दिख रहा है हमें स्टूडेंट नाम का. मैं इसे ओपन करती हूँ. तो अभी हमने यहाँ पे क्या चेक किया था कि यहाँ आईडी हमने प्राइमरी की सेट किया है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, डीओबी एंड एड्रेस. वी हैव जस्ट क्रिएटेड कॉलम्स. अब ये टेबल के कॉलम्स हमने बना लिए, लेकिन रो वाइज अगर हमें रिकॉर्ड्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करना पड़ेगा. तो जैसे कि मैं यहाँ पे 101 लिख रही हूँ, इसमें इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंसर्टिंग वैल्यूज इनटू टेबल. ओके, रोल नंबर होगा, अगर यहाँ पे मैं लेती हूँ 1, अगर मैं स्टूडेंट नेम लेती हूँ जो हमने कल यूज किए थे वही लेंगे. यहाँ पे सेम मैं वही वैल्यूज यूज करती हूँ. यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैंने एक डेट ऑफ बर्थ यूज किया. एड्रेस जो है, चलो जो भी होगा. देन उसके बाद में दूसरा आईडी हम लोग यूज करते हैं. देन उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे और अगर चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज जो है वो इंसर्ट करते जाएंगे. सो दिस इज अबाउट की इंसर्टिंग अ वैल्यू. सी, अगर आप टेक्स्ट बुक में चेक करोगे तो यू आर हैविंग डिफरेंट फॉर्मेट्स, कि जहाँ पे आप लाइक यू कैन चेक विद आपके फॉर्मेट्स वेयर इट इज फॉर योर लाइक जस्ट अ मिनट, हियर वी विल एड वैल्यूज. सो इट इज लाइक दिस. मैं एक सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ, यू डोंट गो एंड चेक विद द
वैल्यूज की मैम इसका डेट ऑफ बर्थ इतना नहीं है एंड ऑल, सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सो वी आर टेकिंग इट एज ए एग्जाम्पल। सो दोनों भाई भाई पुणे के होंगे, थोड़े छोटे बड़े होंगे जो भी होगा, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे वैल्यूज जो है यू कैन इंसर्ट वैल्यूज। जैसे आप वैल्यूज इंसर्ट करते जाओगे इट विल गिव यू डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट कॉलम्स। सो यहाँ पे फील्ड्स यू आर एडिंग वी हैव चेक्ड, यहाँ हमने इसका भी डेट ऑफ बर्थ जो होगा शायद यही होगा, करके हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करती हूँ तो आता है क्या, चलो चेक करते हैं। यहाँ पे डेट जो है वो हम लोग चेंज कर देंगे, वी आर टेकिंग इट एज ए एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग इसे लेंगे मुंबई। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये चार एंट्रीज कर लिए हैं। सो अगर हमें इसे चेक करना है तो आप और अगर वैल्यूज बढ़ाना चाहते हो तो वैल्यूज बढ़ा सकते हो। दिस इज अवर प्राइमरी की, रोल नंबर हमने ये लिखा है यहाँ पे, स्टूडेंट का नाम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो तो एड्रेस। वेरी सिंपल है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। यू हैव टू सिंपली चेक विद द इंसर्शन ऑफ वैल्यूज एंड टेबल्स। नाउ ये होने के बाद में चलो अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसे एक क्लोज कर दू, या फिर अगर आप चाहते हो कि नया कोई फॉर्म करना है, मैं इसे क्लोज करके देखती हूँ। क्लोज किया, अब चेक करते हैं कि स्टूडेंट टेबल ओपन किया तो इसमें ये सारे वैल्यूज आ गए। पहले क्या आ रहा था, सिर्फ कॉलम के नेम्स आ रहे थे, लेकिन अभी हमने इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर दिए तो वैल्यूज आ जाएगा। अब ये देखो ये क्या है, एडिट डेटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ यू वॉन्ट टू मेक एनी चेंजेस, लाइक चार वैल्यूज चार रोज आपने यूज किए हैं, आप चाहते हो कि इसे जो मुंबई वाला है ना इसको भी पुणे में डाल दो, वो नहीं चाहिए हम लोगों को, मुंबई में का नहीं चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे कोई चेंजेस करना है ऐसे, तो यू कैन एडिट इट। यहाँ पे विल चेक हम लोग कर पा रहे हैं क्या, सो विल मेक इट ऑफ पुणे। ओके, इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। और फिर इसे फिर से क्लोज किया, देखते हैं कि चेंजेस हो गए हैं क्या, तो देखो सारे के सारे पुणे में आ गए। ओके, तो इस हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो स्टूडेंट्स, आपको जो भी एडिट करना है डेटा, यहाँ पे फिर से चाहती हूँ कि कोई एक नया एंट्री करना है, सो यू कैन गो फॉर दैट एंट्री ऑल्सो, आप नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। और एक अगर आपको चलो कौन सा नाम आपको पसंद है, जो भी होगा वो नाम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देन मैं यहाँ पे वैल्यूज यूज करूंगी, सिर्फ केस सेंसिटिव करना है, सी कहीं ना कहीं पे हम लोगों को टेबल में वैल्यूज जब लिख रहे हैं तो वो वैल्यूज ऐसे होने चाहिए दैट यू कैन एक्सेस इट आफ्टर आल्सो, सो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग कि जो हम लोग वैल्यूज यूज करेंगे वो वैल्यूज इस फॉर्मेट में है। चलो मैं इसे फिर से एक ऐड कर देती हूँ, इसे अभी मैं क्लोज करती हूँ, चेक करती हूँ, डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस, यस, क्योंकि रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो गया है, यस वी वॉन्ट टू सेव द चेंजेस। अब देखो यस चेंजेस सेव हो गए हैं। सो दिस इज अबाउट एडिटिंग योर इन्फॉर्मेशन। कौन सी तीन चीजें देखी है हमने, हमने क्या देखा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट कैसे करना है, उसके टाइप ऑफ डेटा टाइप के साथ में उसके टाइप ऑफ डेटा क्या यूज करने वाले उस हिसाब से उसकी डेटा टाइप डिफाइन होती है। उसके बाद में हमने टेबल क्रिएट किया, वैल्यूज इंसर्ट किया और इसे एडिट किया। सो दिस इज फिनिशिंग विद योर 3-4 टॉपिक्स ऑफ टेबल, देन क्रिएटिंग अ टेबल, देन इंसर्टिंग अ वैल्यू इनटू टेबल एंड एडिटिंग योर टेबल वैल्यूज। सो दिस इज अबाउट योर टेबल, एंड आगे का जो रहेगा क्वेरीज एंड ऑल विल स्टार्ट इनटू आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल दैट टाइम थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी इनटू कमेंट बॉक्स।